वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइलम पोरिफेरा के बारे में जानने वाले हैं। जो फाइलम पोरिफेरा है दोस्तों, ये बिलोंग करता है किंगडम एनिमिलिया से। और दोस्तों, ये जो एनिमल्स है वो सेकंड फाइलम है, और फर्स्ट फाइलम जो होता है दोस्तों वो होता है प्रोटोजोआ। ये फर्स्ट सेकंड फाइलम पोरिफेरा, पोरिफेरा यानी कि क्या, पोअर बेयरिंग एनिमल्स। और आगे भी हम कुछ फाइलम के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि प्लेटेलमिंथिस, एस्केलेलमिंथिस, ये कुछ फाइलम है दोस्तों। इन सब के बारे में हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पोरिफेरा के बारे में जो फाइलम पोरिफेरा होता है दोस्तों, इसमें पोअर बेयरिंग एनिमल होते हैं, यानी कि जो एनिमल होते हैं इनके बॉडी सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, पोर्स प्रेजेंट रहती है, इसीलिए इनको पोअर बेयरिंग एनिमल कहा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ द एनिमल्स बिलोंग्स टू फाइलम पोरिफेरा। इसको हम, इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो अर्न स्पॉन्ज यानी कि स्पॉन्ज ले सकते हैं दोस्तों। ये मल्टी सेलुलर एनिमल है, ये प्लांट की लाइक के जैसा दिखता है, यानी कि प्लांट की तरह ही दिखता है ये वाटर में जब प्रेजेंट रहता है। लैक ऑफ लोकोमोशन पावर, यानी कि ये लोकोमोशन नहीं कर सकता, ये एक सबस्ट्रेप्टम को अटैच रहता है। ये प्लांट लाइक बॉडी दिखती है, ये वाटर में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि सी वाटर, मराइन वाटर, और कुछ फ्यू जो मतलब पोरिफेरा एनिमल रहती है वो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट रहती है। तो लैक ऑफ पावर ऑफ लोकोमोशन यानी कि क्या, जो लोकोमोशन की पावर रहती है, लोकोमोशन यानी दे एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक से दूसरी जगह जाने की जो पावर है ये इसमें अब्सेंस है, यानी कि एक ही जगह एक ही सबस्ट्रेटम पे ये अटैच रहेगा दोस्तों। जो इसमें स्पॉन्ज में दोस्तों डिफरेंट कलर आते हैं, ये डिफरेंट कलर शो करता है इन्वायरमेंट की, मतलब जैसी इन्वायरमेंट की कंडीशन रहेंगी वैसी ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शोज करता है, जैसे कि वाइट, ग्रे, ब्राउन, पर्पल। और बहुत से एनिमल है दोस्तों जो फाइलम पोरिफेरा है, इसमें अगर स्पॉन्ज की बात की जाए तो 10,000 स्पेसिस स्पॉन्ज शो करती है दोस्तों, यानी कि 10,000 स्पेसिस इसमें प्रेजेंट है दोस्तों। तो ये रही दोस्तों बॉडी, इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये है, यानी कि ट्यूब लाइक, यानी कि एक इसकी वैश शेप बॉडी भी हम बोल सकते हैं, यानी कि एक टोटल सिलेंडर की तरह ही बॉडी है, और ये अटैच रहती है सबस्ट्रेटम को। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले जनरल कैरेक्टर के बारे में फाइलम पोरिफेरा के। तो दोस्तों, ये जो है एक्वेटिक भी है, मराइन भी है, एक्वेटिक मराइन भी है, और जो फ्यू है यानी कि वन एक फैमिली जो है दोस्तों वो फ्रेश वाटर की भी रहती है दोस्तों। ये कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ये सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते, ये कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, नंबर ऑफ में प्रेजेंट रहते हैं अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ये हार्ड सबस्ट्रेटम को अटैच रहते हैं, यानी कि वाटर में जो प्रेजेंट रहते हैं ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, डू नॉट लोकोमोशनेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकते, ये हार्ड सबस्ट्रेटम को अटैच रहते हैं, इसीलिए लैक ऑफ लोकोमोशन बोला जाता है दोस्तों इसको। और ये जो एनिमल है ये सिंगल सेल में होती है, मल्टी सेलुलर एनिमल है, और इनकी जो सेल रहती है दोस्तों ये लूजली मैनर अरेंज की गई रहती है, जो लूजली मैनर अरेंज की रहती है। और जो ये एनिमल है दोस्तों, जो पोरिफेरा के एनिमल है वो टोटली डिप्लोब्लास्टिक इन मैनर है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि क्या, डबल टू लेयर्ड, एक्टोर आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म्स, टू लेयर स्ट्रक्चर है दोस्तों। और मिडल लेयर जो है दोस्तों वो इसमें अब्सेंट है, आगे आके जब मॉडिफिकेशन होता है सिलेंड्रेटा, प्लेटेलमिंथिस, एस्केलेलमिंथिस, इसमें अपनी को ये मेसेनचाइम यानी कि मिडल लेयर दिखने को मिलेगी। शेप जो है दोस्तों वो है इसका सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप है, ट्यूबुलर इन मैनर, वैश शेप भी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके जो बॉडी के सरफेस पे जो ये स्पोर्स प्रेजेंट है दोस्तों, ये जो स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट है इसको बोला जाता है दोस्तों ऑस्टिया, यानी कि जो इसी से जो वाटर कैनल सिस्टम स्टार्ट होती है ऑस्टिया से, इसी से जो इस एनिमल में पानी एंटर होता है, ये एक्वेटिक एनिमल होने के कारण, और इसी का इनका यानी कि डाइजेशन चलता है इसी के बेस पर। जो कैनल सिस्टम है दोस्तों इसमें प्रेजेंट है, जो ये लार्ज कैविटी आपको दिख रही होंगी, ये सेंटर की लार्ज कैविटी, इसको बोला जाता है दोस्तों स्पॉन्जोसील कैविटी। और इनसाइड दिस कैविटी स्पॉन्जोसील, इट इज़ द लार्ज कैविटी एंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पॉन्जोसील कैविटी ऑस्किलम प्रेजेंट है। ये स्पॉन्जोसील कैविटी है दोस्तों, ये ऑस्किलम के माध्यम से ओपन होती है। पहले एनिमल में, इस सारे एनिमल में स्पॉन्जेस में स्केलेटन जो है दोस्तों ये है स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स ये चार टाइप के प्रेजेंट रहते हैं, हम आगे इसको डिटेल में जानेंगे, सिंगल, मोनो में,
ट्राई में टेट्रामी, इन चार टाइप में स्पिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। इस स्पिक्यूल के बारे में, यानी कि ये जो स्पॉन्जेस को सपोर्ट देने का काम करते हैं, जैसे अपने ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट देने के लिए जो स्केलेटन मटेरियल प्रेजेंट रहता है, उसी जो ये जो स्पिक्यूल्स है उस स्पॉन्ज को सपोर्ट देने के लिए काम करते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। इसमें दोस्तों नो माउथ, माउथ यानी कि माउथ अब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी और एक्सरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी एक्सरेटरी और माउथ इसमें टोटली अब्सेंट है। ये ऑर्गन ही दोस्तों इसमें अब्सेंट है, और ये यानी कि ऑर्गनल वेल डेवलप नहीं है इसके, यानी कि टिश्यू पे ये डिपेंड है ये एनिमल, ऑर्गन सिस्टम इसकी वेल डेवलप नहीं है। तो नर्वस सिस्टम जो है दोस्तों इस एनिमल में टोटली अब्सेंट दी गई है। जो एनिमल है दोस्तों ये स्पॉन्जेस जो है ये हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट यानी कि क्या, यानी कि मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन ये दोनों भी एक ही एनिमल में शो किए जाते हैं, यानी कि जैसे कि मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन रहते हैं वो एक ही एनिमल में रहते हैं, इसीलिए इसको हर्मेफ्रोडाइट बोला गया है। और रिप्रोडक्शन दोस्तों ये दोनों भी शो करते हैं, सेक्सुअल असेक्सुअल, ये बडिंग शो नहीं करता, यानी कि हाँ दोस्तों सेक्सुअल करते हैं और असेक्सुअल करते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल हम इसको डिटेल में जानेंगे थोड़ा, क्योंकि दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो जैसे कि मुर्गी है वो अंडा देती है, और जो उसके जो पिक्स रहते हैं यानी कि वो बाहर चिक्स रहते हैं वो अंडे के माध्यम से निकलते हैं, इसीलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और ह्यूमन बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन चलता है दोस्तों वो इंटरनल है, यानी कि डायरेक्ट बेबी ऑफस्प्रिंग जो जन्म लेता है उसको हम इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। तो ये रहा एक्सटर्नल इंटरनल का डिफरेंस। और लार्वा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है वो इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इसीलिए इस एनिमल में डायरेक्ट लार्वा से लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है दोस्तों। दोस्तों हमने जो फाइलम पोरिफेरा है उसमें का जो बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों उसको साइकॉन, इसको स्काइफा भी बोला जा सकता है, साइकॉन को स्काइफा भी बोला जा सकता है। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया है। इसको दोस्तों अर्न स्पॉन्ज और क्रॉन स्पॉन्ज भी बोलते हैं, कॉमनली नोन एज अर्न स्पॉन्ज और क्रॉन स्पॉन्ज, क्योंकि अनलाइक ये दिखता है क्राउन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो ऑस्क्यूलम है, यानी कि जो ऑस्क्यूलम है ऑस्क्यूलम पर लॉन्ग मोनोहेक्सेन जो स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये स्पिक्यूल के वजह से जो ये रानी का जैसे मुकुट रहता है उसकी तरह एक लुक लाइक दिखता है, इसीलिए दोस्तों इसको क्राउन स्पॉन्ज बोला जाता है। ये मोनोहेक्सेन स्पिक्यूल है दोस्तों, इस पर प्रेजेंट है। स्पिक्यूल के बारे में मैंने आगे पहले भी बोला था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों जो ये जो एनिमल है ये मल्टीसेलर होने के साथ साथ मराइन वाटर है, और ये स्पेशली यूरोप में इसका पाया गया है, यूरोप में मराइन वाटर में इसको पाया गया है। और बाकी एनिमल की तरह पोरीफेरा की ये भी सबस्ट्रेटम को अटैच रहता है इन शॉलो वाटर में ये प्रेजेंट रहता है अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ये सिंगल में प्रेजेंट नहीं रहता, कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और शेप जो है दोस्तों इसका जो वैस लाइक शेप है, यानी कि सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर इसका शेप है, आप देख पा रहे हो इसका ऐसा शेप है, और इसी के वजह से इसको अन शेप भी बोला जाता है। ये रहा दोस्तों इनके शेप की बात। अब बात करते हैं कलर के बारे में। जो कलर है ये डिफरेंट कलर है, जैसे कि ग्रे, लाइट ब्राउन, ये इसके जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है यानी कि जो बाहर के जो वातावरण के अनुसार ये अपना कलर चेंज करते रहता है, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से ही ये अपना कलर बार बार चेंज करते रहता है, शो डिफरेंट कलर्स इन एनी वेदर, मतलब वेदर पे इसका कलर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसको अब हम बात करते हैं इसके जो बॉडी पोर्स है ऑस्टिया, इसके बारे में। जो ऑस्टिया है दोस्तों इसका जो मेन काम जो है, इसका जो वाटर कैनल सिस्टम है जिसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं, उस वाटर कैनल सिस्टम में इसका जो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के माध्यम से जो वाटर है दोस्तों इस यानी कि इस एनिमल में एंटर होता है इस ऑस्टिया की वजह से, और जो ऑस्टिया है दोस्तों इस स्पॉन्जोसील कैविटी में ओपन होता है दोस्तों ये ऑस्टिया, और वाटर एंटर थ्रू दिस पोर एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वाटर कैनल सिस्टम, मैंने आपको पहले ही बता चुका है ये रहा उसका स्ट्रक्चर। और जो ऑस्क्यूलम है दोस्तों पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये लॉन्ग जो लार्ज कैविटी है
इसके जो टॉप मोस्ट पार्ट का जो प्रेजेंट है ओपनिंग, इसको ऑस्किलम बोला जाता है। ऑस्किलम जो है वो मोनोएक्सोन स्पिकुल के वजह से कवर्ड है, इसीलिए इस स्पॉन्ज को क्राउन स्पॉन्ज भी बोला जाता है फॉर द प्रोटेक्शन। ये इसलिए मोनोएक्सोन स्पिकल्स रहते हैं क्योंकि जो बड़ा एनिमल है, यानी कि कोई अगर बड़ा एनिमल इस स्पॉन्जिसुल कैविटी के माध्यम से अगर इस एनिमल में एंटर होना चाहता है तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसको जो है वो लॉन्ग मोनोएक्सोन स्पिकल जो प्रेजेंट है स्पिकल्स का प्रोटेक्शन रहेगा, इसलिए ये एंटर नहीं हो पाएगा। और ऑस्टिया में तो बहुत छोटे पोर है, माइन्यूट पोर है, माइक्रोस्कोपिक पोर है, इसमें तो कुछ गुंजाइश ही नहीं अंदर जाने की। तो यह रहा टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑस्किलम, स्पॉन्जोसील कैविटी, ऑस्किलम। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इस स्पॉन्ज का, स्पॉन्ज के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करने वाले। इसकी जो सेल है दोस्तों, इसमें के जो सेल्स रहते हैं वो लूजली मैनल्स रहते हैं, यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स है वो लूजली मैनस रहती है। वेल ऑर्गेनाइज और वेल डेवलप टिश्यू नहीं रहते, वेल डेवलप सेल अरेंजमेंट इसकी रहती नहीं, लूजली मैनर रहती है। जो जैसे कि मैंने बताया था कि पोरिफेरा में दो ही लेयर के स्ट्रक्चर है, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, वैसे ऑस्टिया में जो यानी कि स्काइकॉन में सिंगल लेयरी स्ट्रक्चर है, मोनोब्लास्टिक लेयरी स्ट्रक्चर है, एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर। और एक्स्ट्रोडर्मल लेयर का जो स्ट्रक्चर है वो आउटर में ही आता है, यानी कि जो लेयर है आउटर इसको प्रोटेक्शन करने का काम ये करती है, और एंडोडर्म इसमें अब्सेंट है दोस्तों। तो जो एक्टोडर्म है इसमें एक्सेप्ट यानी कि ऑस्टिया, जो इनकरंट कैनल यानी कि वाटर कैनल सिस्टम जो है इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करती, जो आउटर लेयर है ये इनर का काम हो गया और इनर इसमें टोटली अब्सेंट हुए। जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म वो दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हो गई है, आउटर यानी कि पिनेकोडम और चैनोडम। पिनेकोडम में जो लेयर है वो दो टाइप की लेयर है, यानी कि सेल्स है पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, दिस टाइप ऑफ द सेल्स, और चैनोडम में चैनोसाइट्स टाइप के सेल्स है। तो ये जो है पिनेकोडम ये बॉडी को कवर करने का ही काम करती है सिर्फ, इसका वही काम है। और चैनोसेल्स यानी कि चैनोसाइट जो सेल्स है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें दिया गया है, यानी कि रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सरेशन, ये चैनोसाइट सेल का जो रोल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है चैनोसाइट, इसको फ्लैजिला प्रिंट है। और फ्लैजिला का क्या काम है, इसमें फ्लैजिला जनरली लोकोमोशन के लिए रहता है, यानी कि इस सेल में लोकोमोशन के लिए नहीं है, इस सेल में जो फ्लैजिला प्रेजेंट है उसलिए, यानी कि जो वाटर में जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहती है उस फूड पार्टिकल को ऑब्टेन करने के लिए ये फ्लैजिला आपको बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये है कोलर रिंग्स, दिस टाइप ऑफ द रिंग्स, कोलर रिंग्स, और ये बॉडी, ये न्यूक्लियस, ब्लेसल ग्रैन्यूल, और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको पजेस बोला जाता है। तो हम अब कोलर रिंग की बात करेंगे। जो कोलर रिंग को अगर जूम किया जाए तो इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर है, माइक्रोविल्ला और माइक्रोफाइब्रिल्स। जो माइक्रोविल्ला और माइक्रोफाइब्रिल जो है दोस्तों, यानी कि ये दो माइक्रोफाइब्रिल्स इंटरकनेक्टेड है, किसकी मदद से, माइक्रोविल्ला, यानी कि माइक्रोविल्ला इस दो माइक्रोफाइब्रिल्स को अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं, और इसका टोटल स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हो गया। जो कोलर रिंग रहा ये रहा टोटल कोलर रिंग का स्ट्रक्चर, माइक्रोफाइब्रिल्स और माइक्रोविल्ला इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, और ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये टोटल न्यूक्लियस। और ये जो बेसल ग्रैन्यूल्स है इसी से और न्यूक्लियस से ये फ्लैजिला अरेंज हो चुका है। और इस फ्लैजिला का वर्क तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो फूड पार्टिकल्स रहती है वो वाटर के उसको ढूंढने के लिए ये पूरे सेल्स को हेल्प करता है। और डाइजेशन और एक्सरेशन और फ्लैजिला डाइजेशन एक्सरेशन और रिप्रोडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। ये रहा टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द चैनोसाइट। और आगे बहुत सी सेल इसमें दी गई है, जैसे कि बहुत सी टाइप ऑफ द सेल्स इसमें दी गई है, लेकिन चैनोसाइट जो सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों, इसलिए हम इस पर हमने ज़्यादा फोकस किया है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जो बाकी का पार्ट है दोस्तों वो मैं पार्ट टू में डिस्कस करूंगा, जैसे कि स्पीक्यूल्स और वाटर कैनल सिस्टम आपको पार्ट टू में मिल जाएंगे और बहुत ही जल्द मैं पार्ट टू लॉन्च करने वाला हूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर माई चैनल।